कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का रोष प्रदर्शन आज शुक्रवार को भी जारी रहा। आपको बता दें कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। अब हरियाणा के किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, पीछे पीछे पंजाब के किसानों का जत्था चलता जा रहा है। हरियाणा के किसानों का कहना है कि दिल्ली से सटे सिंधु बॉर्डर पर जो पुलिस तैनात है वह हरियाणा के किसान नेताओं को जानती है। पंजाब से किसान भाई आए हैं, वो हमारे मेहमान हैं, इसलिए हम उन्हें आगे नहीं करेंगे, बल्कि पुलिस की पहली लाठी हम खाएंगे। किसानों को आज दिल्ली के सिंधु बॉर्डर रोक दिया गया। पुलिस ने आज फिर आंसू गैस छोड़ी, लेकिन किसान दिल्ली में घुसने के लिए अड़े हुए हैं। उनका कहना है, हम शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, इसे जारी रखते हुए हम दिल्ली में एंट्री करेंगे। लोकतंत्र में प्रदर्शन की इजाजत होनी चाहिए। उधर पुलिस ने सरकार से 9 स्टेडियमों को अस्थाई जेल बनाने की इजाजत मांगी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से अपील की है कि किसान संगठनों से तुरंत बातचीत करें, ताकि दिल्ली की सीमाओं पर तनाव खत्म हो सके। दिल्ली बहादुरगढ़ हाईवे पर पुलिस ने एक ट्रक को बैरिकेड की तरह खड़ा किया था, लेकिन किसानों ने उसे ट्रैक्टर से खींच कर हटाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और किसानों की झड़प हो गई। दिल्ली बहादुरगढ़ हाईवे पर टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। यहां किसान पुलिस से उलझते नजर आए। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। वाहनों को सिंधु बॉर्डर की तरफ जाने से रोका जा रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि दूसरे राज्यों में जाने वाले वाहन वेस्टर्न ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस आज वाहनों की जांच कर रही है। बॉर्डर पर CISF के जवान भी तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के किसान भी सड़कों पर उतर आए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि 3 दिसंबर को उनसे बात की जाएगी, पर किसान अपनी बात पर अड़े हैं। वे केंद्र के तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर ट्रकों को आड़ा तिरछा खड़ा कर रखा है। बॉर्डर पर वाहनों का लंबा जाम है। नेशनल हाईवे बंद होने से लोग परेशान दिखे। पंजाब हरियाणा हाईवे पर कई जगह ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। लोग खेतों के रास्ते जाने पर मजबूर हुए। दिल्ली जाने के रास्ते आज भी बंद रहेंगे। किसान आंदोलन की वजह से चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे बंद रहा। इस वजह से चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट्स के टिकट 1000% से भी महंगे हो गए। एयर विस्तारा ने 3000 वाली टिकट 35000 में बेची। समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.